किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की गति सबसे अधिक होती है। किशोरियों में बेहतर पोषण एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस दौरान सही पोषण स्वस्थ मातृत्व को सुनिश्चित करने के लिए साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास में भी सहयोगी होता है। पेश है एक रिपोर्ट। किशोरियों में पोषण की कमी एक बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किशोरावस्था में पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए इस आयु में सही पोषण मिलना बेहद जरूरी हो जाता है। किशोरावस्था में लड़कियों के पोषण का बहुत महत्व होता है। जो लड़कियां किशोरावस्था में कुपोषित होती हैं, भविष्य में उनके बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर पैदा होते हैं और ऐसी माओं के बच्चे इसके अलावा बीमारी, संक्रमण और यहाँ तक कि मृत्यु का भी खतरा उनका ज़्यादा रहता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है, जिसकी वजह से किशोरियों व किशोरों को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। यदि किशोरियों में पोषण की कमी हो तो इसका प्रभाव उनके आने वाले जीवन पर पड़ सकता है। आगे चलकर गर्भावस्था में उनको समस्याएं हो सकती हैं और फिर उनके बच्चों में भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम किशोरावस्था में लड़कियों को सही पोषण दें और उन्हें स्वस्थ रखें तो भविष्य में ना कि बल्कि उनके बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं, बल्कि भविष्य में ये लड़कियां परिवार के आर्थिक विकास में भी योगदान देती हैं और परिवार के स्वास्थ्य का भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रख पाती हैं। तो इस तरीके से किशोरावस्था में सही पोषण पूरे समाज के विकास में योगदान दे सकता है। आवश्यक है कि किशोरियों के पोषण का ध्यान रखा जाए और साथ ही सावधानी भी रखी जाए, जिससे उनके आने वाली जिंदगी स्वस्थ और बेहतर बने।